श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर कक्षा 12 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। इसमें आज आपको पढ़ाएंगे हम बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, बाल्यावस्था के मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर एक हेडिंग होगी प्रेम की संतुष्टि। प्रेम की संतुष्टि। प्रत्येक बालक प्रेम का भूखा होता है, ऐसा बाल्यावस्था का अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव में आपको पहली टॉपिक पढ़ाएंगे प्रेम की संतुष्टि। बच्चा प्रेम का भूखा होता है, बाल्यावस्था में बच्चा प्रेम का भूखा होता है। प्रेम की अनुभूत कराते हुए उसके ऊपर जितना भी अंकुश आप लाते हैं वो सहन करता हुआ चला जाता है। यदि आप प्रेम की भावनाओं की, प्रेम उसकी नैसर्गिक क्रिया होती है, प्रेम से उसको जो चाहते हैं सो आप करा लेते हैं, यदि प्रेम की अनुभूति उसको कराते रहते हैं तो उसके ऊपर आप अंकुश भी लगा सकते हैं, उसको आप नियम संयम में बांध सकते हैं, उसको आप छोटे बड़े लोगों का अनुकरण करा सकते हैं, सब कुछ प्रेम के द्वारा। यदि प्रेम से उसको नहीं आप समझाने की कोशिश करेंगे तो युवावस्था हो जाने के बाद वह आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ऐसे स्थिति में वह क्या करेगा, मनमानी करना शुरू कर देगा। ऐसी स्थिति में आप जिसको चलना नहीं आता है, ऐसे बच्चों में जिसको चलना नहीं आता है एक दूसरे की उंगली पकड़ कर वो चलते नहीं है, बल्कि अपना मनमानी करने में आनंद का अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। तो प्रेम की संतुष्टि, उनकी प्रेम की संतुष्टि, प्रेम की संतुष्टि। दूसरे बाद हेडिंग है खेल एवं कल्पना का महत्व। दूसरी टॉपिक है खेल एवं कल्पना का महत्व। खेल एवं कल्पना का महत्व। बालकों में कल्पना की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र पाई जाती है। ऐसे काल्पनिक विचार वाले बालकों में विभिन्न प्रकार के खेलों, मिट्टी के घड़ौदों आदि के रूप में उजागर करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके व्यवहार अनुभवों, यहाँ तक कि शक्ति का महा भावात्मक अपनी कल्पना का जामा पहनाकर अपनी रुचि का प्रदर्शन करने लगते हैं। बड़ों की भावनाओं, कल्पनाओं को देखकर अपनी भावनाओं को उनका जामा पहनाकर, उनका जामा पहनाकर कल्पना करने लगते हैं। कार्य करने से पूर्व किए गए तर्क वितर्क को ही कल्पना कहा जाता है। एक कल्पना, कल्पना के संसार में बच्चा डूबा रहता है कि हम ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये हो जाएंगे, वो कल्पना करने लगता है, कल्पना के संसार में विचरण करने लगता है। काल्पनिक भावनाओं को, वास्तविकता कुछ भी नहीं होती है लेकिन काल्पनिक विचार उसके मन में तरह तरह के उत्पन्न होने लगते हैं।
खेल एवं कल्पना का महत्व उसके जीवन में अहम भूमिका निभाता है। बड़ों की देखकर, बड़ों लोगों को देखकर ऐसा वो कल्पना करने लगते हैं, ऐसे अपने मन में भाव उत्पन्न करने लगते हैं, उनकी भावनाओं को अपने विचारों में जामा पहना देते हैं। उसका पहनाने के बाद ऐसे भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कि हम भी इस दुनिया में रहकर ऐसा कार्य कर लेंगे। दूसरी टॉपिक होगी जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि, जिज्ञासा की संतुष्टि। देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, हर वस्तु के विषय में वो जानने की कोशिश करने लगता है। जैसे उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि बरसात कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, चिड़िया क्यों कपड़े नहीं पहनती हैं। ठीक है, ऐसे मन में भाव उत्पन्न होंगे कि चिड़िया क्यों कपड़े नहीं पहनती हैं, वर्षा क्यों होती है, बड़े लोग क्यों रोते हैं, उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसके विषय में छुपे हुए रहस्य को जानने के उनके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, काहे को हुआ। ये तरह तरह की काल्पनिक भावनाओं का विचरण उनके मन में जिज्ञासा के भाव से उत्पन्न होने लगता है। जानने की कोशिश करने लगते हैं कि ऐसे भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, काहे को ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ। इसके विषय में वो तर्क वितर्क पहुँच करते करते ऐसे समय ऐसे स्थान को पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलता है। जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, काहे को हो रहा है। उसके बाद हेडिंग है अनुकरण का, अनुकरण प्रवृत्ति का महत्व। अनुकरण प्रवृत्ति का महत्व। बच्चे के अंदर अनुकरण प्रवृत्ति का महत्व होता है। बच्चा अनुकरण करने की कोशिश करने लगता है कि हमको ये क्या करना है, इसका स्वाभाविक भाग जिस भाग में है उसके अंदर जितनी जिज्ञासा, जितनी अनुकरण प्रवृत्ति तीव्र होती है, तेज होती है, उतना वो भविष्य में जागरूक होता है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति जिस बच्चे में जितना तेज होती है उतना भविष्य में वो जागरूक हो जाता है, क्योंकि ये उसकी ऐसी क्रिया है जिससे वो अनुकरण माने होता है इस तरह का नकल करना। यदि अनुकरण करके एक दूसरे के किए हुए क्रियाकलापों को देखकर वो स्वयं करने के लगता है तो उसका मस्तिष्क का विकास होता है कि किए गए कृत्यों को देखकर वह किसी के न बताए हुए वह स्वयं वो कर लेता है। तो बच्चे के अंदर अनुकरण प्रवृत्ति का बहुत महत्व होता है। वह जितना बढ़िया अनुकरण करने लगता है उतना बाद में वह जिज्ञासा युक्त हो जाता है, उतना जानकार हो जाता है। उसके बाद प्रशंसा तथा पुरस्कार। प्रशंसा तथा पुरस्कार। बाल्यावस्था में किए गए कृत्यों के द्वारा यदि बड़े लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा या पुरस्कार उसको कर दिया है, पुरस्कृत कर दिया जाता है, तो उसके अंदर एक आत्म सम्मान की प्रेरणा जागृत होने लगती है, क्योंकि बालकों की बुद्धि व समझ की छोटी सी प्रवृत्ति उनके कार्यों को किए गए कृत्यों की यदि आप प्रशंसा करने लगते हैं तो उनके मन में ऐसे तरह का भाव उत्पन्न होता है कि हमने इस कार्य को कर लिया, इस नाते हमको इसका यह पुरस्कार मिल रहा है। ना कुछ करिए आप तो उसकी प्रशंसा ही कर दीजिए, उसका सम्मान उससे बढ़ जाएगा, वह सोचेगा कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसका मनोबल और बढ़ जाएगा।
यदि किए गए कृत्यों से आपने उसकी प्रशंसा करते हैं ना, तो उसको छोटा सा पुरस्कार देते हैं, तो कम से कम ना कुछ करिए तो थैंक यू तो बोल दीजिए। इतने से उसके मनोभाव और बढ़ जाते हैं, वह कृत्य को करने के लिए और उत्सुकता उसके मन में आ जाती, उसके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि यदि हम और ऐसा कार्य करेंगे तो और हमारी समाज में, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनने का सबको शौक होता है, अपनी प्रशंसा सुनने का सबको शौक होता है। दूसरी आत्मसम्मान, चाहे बच्चा हो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सबको आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में अपने कृत्यों द्वारा किए गए आत्मसम्मान के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं कि हम कौन सा ऐसा कार्य कर बैठे जिससे मेरा आत्मसम्मान आत्मगौरव बढ़ जाए। आत्मसम्मान बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर आत्मसम्मान का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आत्मसम्मान अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सबको शौक रहती है। सभी लोग ये सोचते हैं कि मेरा समाज में आत्मसम्मान रहे, मेरी प्रतिष्ठा समाज में रहे। इसके लिए बाल्यावस्था के अनुभवों का, बाल्यावस्था में किए गए कार्यों का अनुभव उनको प्राप्त हो जाए कि कौन सा कार्य करेंगे तो मेरा समाज में सम्मान होगा और कौन सा कार्य हम करेंगे तो समाज में हमारी निंदा होगी। उसके बाद स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बालकों की कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि वह अपने किसी कार्य या खेल कूद में होते रहे यदि उन्हें चलना। बालक के अंदर ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है कि यदि वह किसी खेल या किसी सम्मान या किसी समारोह में कोई कार्य करना चाहता है तो ऐसे में वो स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता है। जब उसकी स्वतंत्रता में आप अंकुश लगाते हैं, उसके स्वभाव में आप अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, तो स्वतंत्र होकर जब वो कार्य नहीं करता है तो ऐसे में उसके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह ग्लान महसूस करने लगता है। ऐसे में यदि बच्चे को चलना नहीं आता है तो किसी की अंगुली पकड़कर वो चलने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वह अपने मनमानी ढंग से वो कार्य करना शुरू कर देता है। ऐसे में वह स्वतंत्र होकर मनमानी ढंग से जब कार्य करना शुरू कर देता है तो उसकी आत्म स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो पाती है। उसके बाद उचित विचार, उचित विचार, बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर उचित विचार का प्रभाव पड़ता है। बालक परिवार में रहकर अच्छे बुरे उचित अनुचित का ज्ञान उसको बड़ों द्वारा कराया जाता है, तब उसके अंदर उचित विचार आते हैं, तब वह यह कैलकुलेशन कर लेता है कि कौन सा कार्य करना उचित है और कौन सा कार्य करना अनुचित है। लेकिन उसको स्व का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कार्य उसको अच्छा लगता है शायद वो समाज के लिए अनुप्रिय हो जाए, वह समाज के लिए अनुचित हो जाए। ऐसे में बड़ों का अनुकरण करके बाल्यावस्था के अनुभवों के आधार पर मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों को उचित अनुचित का उसको ज्ञान हो जाता है कि कौन सा कार्य करना उचित है और कौन सा कार्य करना अनुचित।